किसान भाइयों, आज हम ग्वार फसल के उखेड़ा रोग के बारे में बातचीत करेंगे। इसे जड़ गलन रोग भी कहते हैं और इंग्लिश में रूट रॉट डिजीज़ कहते हैं। ये ग्वार फसल की सबसे ज़्यादा हानिकारक बीमारी है और हर वर्ष औसतन 20 से 30% जो फसल है इसके प्रकोप से ख़राब हो जाती है। किसी किसी साल तो 70% से भी अधिक फसल इस रोग के कारण ख़राब हो जाती है और किसानों को अपने खेत को दोबारा जुताई करनी पड़ती है। तो ऐसे गंभीर रोग के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इस रोग के कारण जड़ें गल जाती हैं। जड़ें गलने पर उनकी खुराक रुक जाती है, जिससे वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और पौधे छोटे रह जाते हैं स्वस्थ पौधों की तुलना में। अधिकतर किसान इस बीमारी के बारे में जानते तो हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस वजह से है। वो इसे प्राकृतिक प्रकोप समझकर ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और वो ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अब खेत को लगता है बाना ही पड़ेगा। परंतु इसका बहुत ही सस्ता इलाज है बीज उपचार द्वारा। केवल प्रति एकड़ 15 रुपये खर्च करके हम इस रोग की रोकथाम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसमें दो बातें ध्यान करने की हैं कि एक तो बीज को जब दवाई लगानी है तो सूखे बीज पर सूखी दवाई लगानी है। दूसरा इसमें ध्यान करना है कि दवाई को बीज पर मसलना है। तो इन सब बातों की चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। कैसे 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 लक्षण इस बीमारी के हैं, किस प्रकार जड़ें गलती हैं, किस प्रकार से हमें रोकथाम करनी है, आओ आगे वीडियो में देखते हैं। ग्वार फसल का उखेड़ा यानी जड़ गलन रोग एक फंगस के कारण होता है जो ज़मीन में रहती है। बारिश के बाद या खेत में पानी लगाने पर भूमि में नमी बढ़ जाती है, जिससे फंगस एक्टिव हो जाती है। यह फंगस उग रहे पौधों की जड़ों पर आक्रमण करती है, जिससे जड़ें गलने लगती हैं। बीमारी की शुरुआती पहचान यही है कि यदि खेत में कहीं कहीं पत्तों में पीलापन दिखाई पड़े तो समझो कि उखेड़ा रोग की शुरुआत हो गई है। इस बीमारी के लक्षण 15-20 दिन की फसल पर ही दिखाई देने लगते हैं तथा अगले एक महीने तक और अधिक पौधे इसकी चपेट में आ जाते हैं। धीरे धीरे पौधे पीले पड़ते हुए सूखते जाते हैं तथा खेत के खेत खाली हो जाते हैं। कई बार किसानों को दोबारा बिजाई भी करनी पड़ जाती है। रोगग्रस्त पौधे पीले पड़ने के साथ साथ स्वस्थ पौधों की तुलना में काफी छोटे रह जाते हैं। ऐसे पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ों का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि उनकी जड़ें काली हो गई हैं तथा गल गई हैं। लगभग 1.5 महीने बाद इस बीमारी का प्रकोप कुछ कम हो जाता है, परंतु कहीं कहीं ये बड़े पौधे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और मरने लगते हैं। बीमारी के बाद के लक्षणों में पत्तों का और ज्यादा पीला होना, उनका ऊपर की तरफ लंबाई में मुड़ना यानी फोल्ड होना, पौधों का छोटा व कमजोर रहना, उनका मुरझाना तथा अंत में सूख जाना शामिल है। ये सभी लक्षण आप इस वीडियो में देख पाएंगे। ये देखिए किस प्रकार से जड़ें काली हो गई हैं।
हमने कई पौधों को खेत में उखाड़ कर देखा जो पीले पड़ गए थे और स्वस्थ पौधों की तुलना में छोटे रह गए थे। ऐसे पौधों की जड़ें हमें काली नजर आई और गली हुई नजर आई। बड़े पौधे भी बीमारी के चपेट में आए दिखाई पड़े और पीले होकर मुरझा गए, उनके पत्ते भी झड़ गए, लंबाई में उनके पत्ते फोल्ड हुए, पीले पड़े और फिर सूख कर गिर गए। ये देखे बीमारी से ग्रसित जड़ें काली हुई और गल गई हैं। ऐसी जड़ों में पोषक तत्वों का संचार और पानी का संचार नहीं होता, जिससे पौधे मरने लगते हैं। रोकथाम के उपाय, मई जून में खेतों की गहरी जुताई कर खुला छोड़ें ताकि भूमि पर धूप लगे और भूमि में विद्यमान जो फंगस के जीवाणु हैं, स्पोर हैं या माइसीलियम है, वो मर जाए। बीज उपचार को अपनाएं, ये बहुत ही सरल और सस्ता उपाय है। बीज उपचार करने से पहले हाथों में रबड़ के दस्ताने अवश्य पहने ताकि सुरक्षा बनी रहे। 5 किलो बीज में 12.5 से 15 ग्राम यानी 3 छोटे चम्मच 22-50% का पाउडर बीज के ऊपर डालें तथा उन्हें बीज को दवाई के साथ मसलें ताकि हर बीज पर दवाई लग जाए। ध्यान 2 बातों का रखना है कि बीज पर पानी का छींटा ना मारें और ये सूखे बीज पर सूखी दवाई ही मसलें, हाथों को भी गीला ना करें। अगर बीज उपचार किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो बिजाई के 15-20 दिन बाद 200 लीटर पानी में कार्बनडाजिम मिलाकर उसको ड्रेंचिंग करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।